सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर मोबाइल डिवाइसेस की सबसे बेस्ट ग्राफिक्स वाली आरपीजी गेम के साथ। अगर आप हैं हमारे यहाँ पे पुराने सब्सक्राइबर तो आप लोग ऑलरेडी इस गेम को यहाँ पर जानते हैं, जो कि है COI Chronicles of Infinity गेम। भाई धमाकेदार गेम है एकदम, ग्राफिक्स मतलब आप लोग पीसी वाले लेवल की याद आ जाएगी आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे आज के इस बूम बाम गेम प्ले को जल्दी से। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे हमारा जो मेन मिशन है उसको स्टार्ट करते हैं। टैप करता हूँ जरा यहाँ पर मैं एक बार। अरे नहीं यार, हमारी जो BR है वो देख सकते हैं यहाँ पे कम दिखा रही है। हमें चाहिए यहाँ पर 37,000 की, बट हमारे करेक्टर की यहाँ पर अभी है 36,000 की। यानी कि हम लोग को यहाँ पे जो साइड क्वेस्ट और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो करनी पड़ेंगी, ताकि हमारा जो BR है वो एनिमी से, जो हमारा जैसे ड्रैगन फाइट होने वाली है, उससे थोड़ा ज़्यादा हो सके। तो हम लोग यहाँ पर इसको खेल लेते हैं, ज़रा हेल्प पे चलते हैं ज़रा, और थोड़ी सी लूट मचाते हैं बढ़िया सी। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि तीन करेक्टर्स आएंगे। आर्मर देखो भाई सबके यहाँ पर, अभी हमारा जो आर्मर है यहाँ पे और अपग्रेड होता जाएगा तो और ख़तरनाक यहाँ पे बैटल होते ही रहेंगे भाई, होते ही रहेंगे एकदम। बंद करते हैं ऐसे, ये देखो तो यहाँ पर तीन करेक्टर्स आए हैं वर्ल्ड वाइड जो हैं, और हम लोग यहाँ पे इन एनिमीज़ को मारना है रिवॉर्ड को उठाने के लिए। साथ में अगर हम लोग यहाँ पे इनको अच्छा खासा पेल देते हैं तो हमारा जो BR है वो भी यहाँ पर हाथों हाथ बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पावर यूज़ करते हैं। आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि गेम के अंदर जो ग्राफिक्स आप लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं वो ऑलरेडी भाई मोबाइल के लेवल से बहुत ऊपर गए हैं। डिटेलिंग देखो यार एक बार आप, मतलब एक एक चीज़ देखें आप लोग। ये देखो भाई अलग ही नशे हैं भाई, हर कैरेक्टर के अंदर मिलती हैं आप लोगों को यहाँ पे 3 से 4 पावर, प्लस आप लोगों को मिलता है एक धमाकेदार अल्ट जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं एकदम मेन बैटल के लिए, या फिर अगर आपको लगता है कि भाई आप फंस गए हैं और आप लोगों को अर्जेंट नीड चाहिए सुपर अटैक्स की, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली अपने अल्ट को यूज़ करें और मार सकते हैं। उसी के अलावा आप लोगों को मिलता है यहाँ पे पेट, जो कि पेट भी भाई अच्छा खासा डैमेज देता है। मान लो यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि जैसे ही आपने एक बार पेट की पावर यूज़ करी तो वो कुछ सेकंड्स के अंदर दोबारा जो है रिकवर हो जाते हैं, तो आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं सेम। और हमारा अल्ट रेडी हो चुका है, ये देखो अल्ट हमारा ख़त्म भाई। अगर आपने एक बार अल्ट यूज़ कर दिया, कोई भी हो सामने कोई भी बच ही नहीं सकता भाई। इस करेक्टर का अल्ट इतना ज़्यादा बूम बाम है, दल से इनको मारते हैं हम। ये देखो भाई खचाखच तलवार चल रही है दो दो, और आप लोग जानते हैं हमारे करेक्टर इस पास यहाँ पर दो दो स्वॉर्ड्स हैं, और दोनों के दोनों स्वॉर्ड्स इसकी यहाँ पर डार्क स्वॉर्ड है भाई, डार्क मैजिक वाली हो गई यहाँ पर हमारी विक्ट्री। देख सकते हैं आप लोग हमारे यहाँ पर ये लेवल 73 हल्का सा बढ़ चुका है आगे की तरफ। आ चुके हम लोग यहाँ पे वापस, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे जो बाकी चीज़ें ये सब कर लेते हैं। और ये देखो हमारा BR बढ़ चुका है, अब BR बढ़ गया यानी कि हम लोग यहाँ पर हमारे जो मेन स्टोरी है उसे खेल सकते हैं। चलते हैं आ जाओ, देखते हैं कि करना क्या है। अच्छा हम लोग यहाँ पे इस क्रिस्टल को बचाने, इनको मारता हूँ। पीछे चलो बेटे पीछे, ज़्यादा नज़दीक नहीं आना। आट तुम्हारी डाउन किया, मर गया कि अभी भी जिंदा है? अटैक करते हैं, चलो भाई निपटाया इनको यहाँ पे हमने। इस क्रिस्टल को आप लोगों को सेव करना है किसी भी हालत में, मॉन्स्टर्स की वेव्स आएगी लेकिन आप लोगों को बचाना ही बचाना है। ख़त्म किया इसको भी यहाँ पे, बहुत सही। वेव 2 इज कमिंग बॉयज, आ जाओ भाई। डरते हैं क्या? ये लेते ही तो पीछे क्या उनको यहाँ पे हमने और यूज़ करी, और हमारा पेट भी है यहाँ पर भाई बूम बाम करने को एकदम रेडी। ओ भाई ये मेरा यहाँ पर फेवरेट अटैक है, क्योंकि यहाँ पर ये हवा के अंदर 3-4 बार एनिमीज को स्लाइस करता है और नीचे आके अल्ट मारता है, बहुत ही तगड़े लेवल का। कहाँ पास जा भाई, उसको गुब्बारे फट गया एकदम से, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ओ दो दो साइड से बंदे आ रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर उनको भी मारना है इनको भी मारना है, तो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इनको पहले एक साथ लाते हैं और फिर यूज़ करते हैं पावर को। ये देखो तुम्हारी तो ज़्यादा होशियारी कर रहे थे हमारे क्रिस्टल को फायरिंग करने की, लेकिन हमने यहाँ पर अपने अल्टर पावर से इनको इतना पेला जितना इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। गाइस आप लोगों को ये समझना पड़ेगा यार कि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, यहाँ पर BGMI, फ्री फायर, पबजी, इनके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। बहुत सारी गेम्स डेवलपर्स बना रहे हैं, हर दिन गेम जो है लॉन्च हो रही हैं, लोग खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट ये आपके हाथ में है कि आप वही 2-3 गेम खेलते रहो 4-4 साल तक, जिसका मुझे तो लगता नहीं कोई फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। तो इतनी अच्छी अच्छी गेम्स हैं यहाँ पर, ट्राई करो एंजॉय करो। लो भाई आ गया बॉस, डिटेलिंग देखो भाई एकदम, मतलब बॉस का अपना पूरा कट सीन आता देख रहे हो। ये देखो स्पाइक डैमन आ चुका है यहाँ पर, आओ भाई अब आएगा मज़ा। इसको मुझसे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मतलब है यहाँ पर क्रिस्टल फोड़ने से, ठीक है। तो हम लोगों को इसको रोकना है कि ये भी क्रिस्टल को फोड़ ना दे। गाइस एक काम करते हैं, हम लोग अल्ट यूज़ कर लेते हैं। ये देखो अल्ट इसका डिवाइड हुआ 4-5 लोग हुए, कट 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 फिनिश किया 5-10 बार और ख़त्म भाई, चीर दिया। बट क्योंकि यहाँ पर एनिमी का BR हमारे जितना ही है,
इसलिए ऑब्वियसली बात है कि आपके अल्ट से एक बाइक के अंदर तो ये मरेगा नहीं, यानी कि हम लोग यहाँ पर कॉन्टिन्यूस अटैक करना पड़ेगा। ये देखो भाई क्रिस्टल के पीछे ऐसे धातु के पड़ गया है वो, मतलब ये क्रिस्टल का छोड़ेगा ही नहीं। ये देखो घूम घूम के अटैक कर रहा है वो। ये देखो उसने देखा मैं यहाँ पर बाइक करने आ गया तो उधर भाग गया। मारता हूँ थोड़ी सी बच्ची उसकी, यहाँ पर जल्दी से रिलीज करते हैं इसे जल्दी से। चल 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 चल, बहुत ही बढ़िया, निकल यहाँ से। देख सकते हम लोग यहाँ पर मिल चुके हैं रिवॉर्ड्स, ये यहाँ पर ऑटो कलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे भागने दौड़ने की नीड नहीं है, गेम अपने आप कर लेती है। विक्ट्री हो चुकी है भाई। आर्मर देखो हमारे कैरेक्टर का भाई, विंग्स देखो क्या चमक आ रही है, मतलब ग्राफिक्स आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो यार मेरे हिसाब से तो आराम से, अब कि गेम में क्या ही मिल रहा है आप लोगों को। और चेकआउट करते हैं हम लोग ज़रा, ब्रिड्स कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अल्टीमेटली आपको अपना बीआर बनाना पड़ेगा। तब तक आप लोग यहाँ पे जो मेन बॉस है उससे लड़ी नहीं पाओगे, जो हमारी मेन स्टोरी है। कौन आ रहा है भाई? अरे और अब बॉल तोड़ दी धरती बढ़ती, अरे भाई बाउंडर आ गया। ये देखो और स्पाइडर देख रहे हैं यार, हर एक बॉस की यहाँ पर स्पेशल कट सीन है भाई, अलग ही मजे आते हैं देखने में। मारता हूँ अभी तो ख़त्म, एक पढ़ने गया है तो यहाँ पर निकल यहाँ से। हाँ तो इसका मतलब यहाँ पे ये कि इस वाले चैलेंज सीरीज के अंदर जो हमारे कैरेक्टर का बीआर है वो इनसे ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ पे 2 से 3 अटैक्स के अंदर ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। यार स्वॉर्ड देखो, अच्छा मैं बता दूँ आप लोगों को यहाँ पे कि हमारा जो लास्ट आर्मर और लास्ट स्वॉर्ड होगी उसमें थॉर जैसी पावर आ जाएगी, यानी कि बिजली निकलेगी उसमें से, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। ये देखो भाई ये सारे आर्मर्स यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को मैं आगे चल के भी। अब इससे फाइट कर लें क्या, या मैं सोच रहा हूँ कि रहने देते हैं क्योंकि हम लोगों को अभी जो मेज स्टोरी है वो खेलनी पड़ेगी। ये देखो भाई बहुत सारे टन्स ऑफ क्रीचर्स मिलते हैं हम लोगों को फाइट करने के लिए, और सबकी यहाँ पर अपनी अपनी पावर, यानी कि भाई और ज़्यादा मज़े आते हैं यार। क्लिक करते हैं हम लोग यहाँ पर, ज़रा इसे बंद करते हैं। हाँ अगर इसे काम करते हैं हम लोग बैक करते हैं, हम लोग यहाँ मेन बैटल खेलेंगे हमारा, जो ये छोटे छोटे साइड क्वेस्ट है इनको हम लोग फिलहाल नहीं खेलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, बैक करते हैं और कौन सी साइड क्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं ताकि ओए हम लोग बढ़ाते हैं अपनी पावर्स को ज़रा यहाँ पर। इस अटैक का यहाँ पे जो लेवल है वो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इतना है, इसको इंक्रीज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। बीआर बढ़ गया हमारे साथ में, बहुत बढ़िया। अल्ट बढ़ा लिया हम लोगों ने यहाँ पर, प्लस इस पावर को भी हमने यहाँ पे बढ़ा लिया। हमारा लेवल हो चुका है यहाँ पर बीआर का 37,700, और यहाँ पे कर लेते हैं इसको अपग्रेड हम लोग। सही आई गेस एक बार और कर सकते हैं, एक बार और कर सकते हैं, बढ़िया। और नहीं कर सकते हम लोगों को, हमारा बीआर हो चुका है 50। सही है, अब एक काम करते हैं वॉइस मेखा में, शायद अभी भी हम लोग यहाँ पे मेन बैटल खेल नहीं पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे जो ट्री क्वेस्ट है ये कर लेते हैं ज़रा। आ जाओ, इसमें बेसिकली क्या है कि बहुत सारे ट्रीज हैं, बॉसेस को मारोगे आप लोग यहाँ पर, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, फिर आप इस ट्री से दूसरे ट्री पे जाओगे, वहाँ बैटल करोगे, उनको मारोगे, तो इस तरीके से आप लोग अनलिमिटेड टाइम तक यहाँ पर फाइट कर सकते हो, जब तक आप लोगों को लगता है कि आपका रिवॉर्ड और आपकी पावर बढ़ नहीं गई हो। तो हम लोग यहाँ पे करना पड़ेगा फिलहाल तो, ताकि हमारा कैरेक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो सके और हम लोग यहाँ पे हमारी मेन स्टोरी का जो नेक्स्ट बॉस है उससे लड़ सकें। ये देखो आ गए यहाँ पे दोबारा एक और बॉस, बट ये थोड़े इजी वाले बॉस, समझ रहे हो यहाँ पर, मतलब अभी ट्री चल रहा है तो हम लोग एकदम लोअर फ्लोर के अंदर हैं। जैसे जैसे हम लोग खेलते रहेंगे फ्लोर जो है बढ़ती रहेगी, और एनिमीज़ का लेवल और उनकी जो पावर है वो बढ़ेगी, यानी कि एनिमीज और स्ट्रॉन्गर मिलते रहेंगे हम लोगों को। फिलहाल अभी आ रहे हैं यहाँ पे इजी, करते हैं हम लोग यहाँ पे मैनुअल फाइट, जो भाग रहा है ना अभी यहाँ से जाएगा दूसरे ट्री की तरफ। ये देखो पहुंच गए, अब हम यहाँ फाइट करेंगे। ओ भाई साइज देखो इस बॉस का, और बीम मार दी तेरी तो, रुक जा ज़्यादा होशियारी। देखो हेल्थ उसकी भी कम है, फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, पावर यूज करता हूँ। देखो पूरा एरिया कवर कर रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई फिनिश, साइज चाहे क्रीचर कितना ही बड़ा हो यहाँ पर, बट हमारा कैरेक्टर की डबल स्वॉर्ड जो है वो सबको पेल सकती है। चलते हम लोग यहाँ से नेक्स्ट ट्री की तरफ, बहुत से आगे हम लोग यहाँ पर भागते रहे। कैसे भागते हो आया हमें देख के भाई, जैसे हम लोग इससे पुराने यार हों, अभी दूर हो लड़ने आए, ख़त्म किया भाई, इजी इजी विन बोलते बॉयज, इजी एकदम। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, आ जाओ आई गेस हम लोग यहाँ पर अब एक बार या आई गेस दो बार वो करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर इसे बंद कर देंगे, वरना हम लोग भाई यही करते रह जाएंगे, हम लोगों को इस लूप से बाहर भी निकलना है। जल्दी से मारता हूँ उसे, ब्रांचेस क्या मार रहा है हमारे, ओए अटैक कर रहा है वो, भाग भाग बच गए। अबे लो हमारे पेट ने ही मार दिया। ये यही मज़े हैं भाई, यही मज़े हैं आरपीजी गेम के। देखो मैं बताऊँ आप लोगों को पर्सनली, तो मेरी तो भाई आरपीजी गेम्स फेवरेट होती हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पूरा एक पीसी एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे मोबाइल के अंदर ही, तो वो एक अपने आप में मस्ती के साथ आप लोगों को पूरा एनवायरनमेंट मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मिलेंगे हम लोग यहाँ पे गोल्ड कॉइंस, ऐड कर लेते हैं गोल्ड कॉइंस, आप लोगों को चाहिए अपने करेक्टर की पावर्स को इंक्रीज़ करने के लिए। सही है गाइस, अब हम लोग यहाँ पे इसे लास्ट टाइम करेंगे, फिर हम लोग चलते हैं हमारे ज़रा मेन बॉस की तरफ, चेक करते हैं हमें पावर कितनी बढ़ गई है यहाँ पर। ये कौन आ गया है? आग वाग निकल रही है, देख सकते हैं इसके हाथों में। गेम के अंदर भाई टन्स ऑफ बॉसेस हैं, सबकी अपनी पावर है,
यानी कि आप लोग ये नहीं कि वही एक दो बॉस आ रहे हैं, नहीं भाई पूरी लंबी लिस्ट है बॉसेस को मारने की, आप लोगों को मजे आएंगे मारने में भाई। गाइस आई गेस यहाँ पे इतना काफी हो चुका है, हम लोग इसे बंद करते हैं, जरा निकलते हैं वापस, जरा आ चुके हैं भाई हम लोग यहाँ पर वापस। अब हम लोग खेलेंगे हमारी जो मेन स्टोरी है, देख सकते हैं हमारा बीआर बढ़ चुका है इससे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्या 1000 ही बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका बीआर इससे ज्यादा होना चाहिए था। आ गए हम लोग यहाँ पर वापस, आ जाओ गाइस हम लोग जरा एक्चुअल बैटल करेंगे। और क्या धरती वरती तोड़ रखी है, देख सकते हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो आ गए हैं छोटे छोटे से, लेकिन आप लोग जानते हैं भाई हमने इनके अटैक मारा, मैंने पावर मारी तब भी इनकी हेल्थ जो है वो हाफ भी नहीं हुई थी, यानी कि एनिमीज तकड़े हैं। और ये तो भाई अभी इनके चंगू मंगू चेले हैं, जब एक्चुअल बॉस यहाँ पे आएगा यानी कि उसकी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, यानी कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसे मारने में। फिलहाल हम लोग इसको मारते हैं, चल निकल यहाँ से हट, बहुत सही ख़त्म किया इनको, बहुत बढ़िया। अब तीन और निकल के आ चुके हैं, फिर पावर यूज़ करते हैं और टैग्स यूज करते हो भाई, जो ग्राफिक्स और जो टेक्सचर्स मिलते हैं आप लोगों को भाई, ओए होए मज़े यार एकदम। मैं ये गेम घंटों तक खेल सकता हूँ अगर मैं सही बताऊँ आप लोगों को। ये देखो भाई बड़ा स्कोर पे आ चुका है, डंक मार रहा है हमारे भाई, लेकिन ये भूल गया कि हमारी जो डार्क स्वॉर्ड है, हमारे डार्क मैजिक की स्वॉर्ड के आगे एकदम बॉस आ गया, बॉस आ गया। ये देखो भाई, अब ये देखो एक्चुअली में ये जो बॉस है, देखो जब भी आप लोगों को एक रेड फ्रेम दिखेगा इसका मतलब ये है कि एनिमीज जो है वहाँ तक अटैक कर सकते हैं, तो आप लोगों को रेड फ्रेम से भागने का पड़ेगा। हमारे यहाँ पे अल्ट रेडी हो चुका है, बट हम लोग यहाँ पे अल्ट यूज़ करेंगे थोड़ी देर बाद, तब तक हम लोग यहाँ पे इसको नॉर्मल डैमेज और साथ में हमारे जो नॉर्मल पावर्स है उसके थ्रू मारने की कोशिश करते हैं, बचते हैं यहाँ से, देख सकते हैं आप लोग। इसकी जो फिलहाल हेल्थ है वो भी इंटू 2 बार चल रही है, बट हम लोगों को जैसे इसकी बार जो इंटू 1 हो जाएगी हम लोग इस पर अटैक करेंगे अल्ट से। चलते हैं आ जाओ गाइस यहाँ से। ये देखो भाई ये जो अटैक है भाई, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि इस अटैक के थ्रू यहाँ पे एक तो ये डिस्टेंस भी ट्रैवल करता है, तो मान लो आपका जो बॉस है वो अपना अल्ट मार रहा है तो आप लोग उसके अल्ट से बच सकते हैं अपनी पावर को यूज़ करके। उसके अलावा इसकी जो बाकी पावर्स हैं उनका अपना बेनिफिट है, बट फिलहाल टाइम आ चुका है अल्ट का। ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई 38,000 का डैमेज दिया हम लोगों ने यहाँ पर, बच ही नहीं सकता लौंडा। उठाते हैं यहाँ से हम लोग सारे रिवॉर्ड जल्दी से एकदम। ये देखो आर्मर देखो, स्वॉर्ड देखो, चमक धमक देखो भाई, मजे धमाकेदार भाई। अभी सोचो यहाँ पे हमारे जो एकदम लास्ट आर्मर और जो लास्ट थंडर स्वॉर्ड मिल जाएगी, इससे फाइट कर सकते हैं नहीं यार, इसका जो बी आर है हमसे ज़्यादा है, यानी कि हम लोग फिर दोबारा खेलने पड़ेगे यहाँ पे साइड क्वेस्ट ताकि हमारे कैरेक्टर का लेवल बढ़ सके, और दोबारा हम लोग यहाँ पर आएंगे इससे फाइट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो गाइज तब तक हम लोग यहाँ पर भाई ज़रा आसपास चलते हैं, बट फिलहाल मैं आगे खेलूँगा भी नहीं अभी, क्योंकि हम लोग आप लोग जानते हैं मैं आपको कुछ कट करके नहीं दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ एकदम एक्चुअल गेम प्ले। तो भाई आप लोगों का मज़ा आयो, ये देखो भाई ये देखो आर्मर देखो, मूव करके दिखाता हूँ हम लोगों को, ये देखो कंबाइन करते हैं ज़रा। तो इस तरीके से आप लोग कंबाइन करोगे तो आप लोगों को जो पार्ट्स हैं आर्मर के वो मिलते हैं, और वही फिर आपके आर्मर के अंदर लग जाते हैं यहाँ पर, तो आपका बियर ऐसे ही बढ़ता है। बहुत सारे टर्म्स ऑफ सेट हैं इसके अंदर यहाँ पे आर्मर्स के, जो आप धीरे धीरे अनलॉक कर सकते हो यहाँ पर, और साथ ही में आप लोगों को यहाँ पे जितने भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो आप लोगों को क्लेम करने पड़ेंगे। मैं जानता हूँ यहाँ पे कि इसमें ऑप्शंस बहुत सारे, और मैं आई गेस इसकी हमने बिगनर्स गाइड बनाई है क्या, मैं चेक करता हूँ अगर यहाँ पे इसकी बिगनर्स गाइड नहीं होगी तो मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर वीडियो ले आऊँगा बिगनर्स गाइड की, ताकि आप लोगों को सारे ऑप्शंस कौन से कहाँ पर है किसका क्या मतलब है वो आप लोग यहाँ पर इजीली समझ जाओ। बट गाइस लेकिन तब तक आप लोगों को अगर यहाँ पे मज़ा आया हो भाई इस आरपीजी बूम बाम गेम में, जिसके ग्राफिक्स आप लोग जानते हैं भाई पीसी लेवल के टक्कर के हैं एकदम भाई धमाकेदार, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें बॉयज, कमेंट करें आप लोगों को गेम कैसी लगी, आप लोगों को क्या पसंद है यहाँ पर आरपीजी गेम, या फिर आप लोग ज़्यादातर शूटिंग गेम्स खेलते हैं वो बता सकते हैं आप लोग यहाँ पे कमेंट्स के अंदर, कौन सी न्यू गेम हम लोग यहाँ पर ट्राई करें वो भी बता सकते हैं यहाँ पे कमेंट्स के अंदर। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि पसंद करते हैं यहाँ पर वही 2-3 गेम्स के अलावा, बाकी न्यू गेम्स को देखना भी और खेलना भी। और गाइज यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही बूम-बाम वीडियोज़ को इस चैनल में फ्यूचर में देखने के लिए, हम लोग यहाँ पर बहुत नियर हैं 400 सब्सक्राइबर्स के, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें।